गुजरात के मोरबी में हुए हादसे के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को मोरबी जाएंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी घटनास्थल का जायजा लेंगे। राम रहीम की पेरोल को खारिज करने की मांग, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका। हिमाचल प्रदेश में टिकट कटने पर छलका पूर्व सांसद का दर्द, नड्डा के सामने मंच पर ही रो पड़े। दिल्ली कैंट के पास बाइक पर आए 3 बदमाश, बंदूक की नोक पर 2 मिनट में फॉर्च्यूनर ले उड़े। पाकिस्तान में महिला टीवी पत्रकार की मौत, लॉन्ग मार्च कवर करते वक्त इमरान के कंटेनर ने कुचला, 24 घंटे पहले लिया था इमरान खान का इंटरव्यू। रूस और यूक्रेन के बीच अनाज निर्यात के लिए जो समझौता जुलाई में हुआ था वह 19 नवंबर को समाप्त हो रहा है, अब रूस ने इसे रिन्यू करने से इनकार कर दिया है। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ किया नागपुर में प्रदर्शन, गुजरात जा रही परियोजना और बेरोजगारी का मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं। देश भर में देशी गाय समेत अन्य जानवरों में तेजी से फैल रहे लंपी वायरस की रोकथाम की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दीपावली और धनतेरस पर सोने की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री के बाद कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। धनतेरस से पहले इस बार सोने की कीमत में खूब उठापटक देखी गई थी। भारत के गौतम अडानी ने एक बार फिर से जेफ बेजोस को पछाड़ दिया है, इसी के साथ वे अब दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। विराट कोहली के फैन ने लांघी सीमा, लीक किया उनके होटल रूम का वीडियो, कोहली समेत कई फिल्मी सितारे भड़के।